सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन अहमद अली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सिखाएंगे आप लोगों को कि आप लोगों ने अपने कैमटास्टियो स्टूडियो 9 के अंदर 4K की वीडियो कैसे बनानी है। बहुत ही आसान है, सिंपल है, लेकिन आप लोगों को कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे कि आप लोग 4K वीडियो कैसे प्रोड्यूस करेंगे। ये जो वीडियो है ये भी मैं 4K वीडियो बनाऊंगा, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। और इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोगों ने 4K वीडियो कैसे बनानी है। तो बेहतरीन है, सिंपल है, क्लासिक है, अच्छा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं बहुत सी वीडियो में नहीं बोलता सब्सक्राइब के लिए, तो हो सकता है पॉसिबल है कि आप लोग भूल जाते हैं। तो अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर दे लाजमी। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर शुरू करते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर मैंने कैमटास्टियो स्टूडियो 9 जो है ओपन किया हुआ है। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर और इंस्टॉलेशन का सॉफ्टवेयर भी दिया गया है, आप लोग ट्रायल बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं और परमानेंट भी यूज कर सकते हैं। कुछ सीक्रेट्स हैं, आप लोग उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं आप लोगों को बोल जाता हूँ, लेकिन वो होती सीक्रेट्स हैं, मतलब YouTube पर डायरेक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड एक टिप दे देता हूँ कि आप लोग उसको इस्तेमाल करके आप लोग चीज़ें चला सकते हैं, पैड लेने की नीड नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले एक वीडियो, बल्कि नहीं, वीडियो लेने से पहले आपने एक डायरेक्शन सेट करनी है। मैंने यहाँ पर एक 4K की टेक्स्ट फाइल रखी हुई जिसमें 3840 एंड 2160। आप लोगों को कैसे पता लगे कि आपकी वीडियो 4K है? आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल प्रोजेक्ट सेटिंग में आ जाना है। आने के बाद देखिए 720p लिखा हुआ है, 1080 है, इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर आप लोगों ने मैनुअल करना है। कैसे? आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि 3840 3840 जो है यहाँ पर जाके कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ ये पेस्ट कर देना है 3840 3840 जो है आप लोगों ने यहाँ रखना है, और 2160 यहाँ पर रखना है, 2160 ये यूज करना है, और उसके बाद अप्लाई कर देना है। जब आप अप्लाई कर देंगे तो यहाँ देखिए आप लोगों के पास स्क्रीन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होगा कि आप लोगों ने फिट पे रख के और फिर चेक कर लेना है 3840 2160 करके अप्लाई कर देना है। सिंपली आप लोगों ने वीडियो ड्रैग करनी है और दूसरी वीडियो ड्रैग करनी है। ड्रैग करने के बाद जो आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं, अगर आपकी वीडियो DSLR की है, कैमरा की है, तो इस तरह से आप लोगों की नहीं आएगी, वो फुल आ जाएगी, क्योंकि DSLR का कैमरा DSLR का फुल होता है। अगर आपकी वीडियो मोबाइल की, जैसे मोबाइल की यूज़ कर रहा हूँ, तो मोबाइल की वीडियो को आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली ड्रैग करना है इसको इस तरह से कि पूरी स्क्रीन पर आ जाए। जब ये पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा तो फिर आप लोगों ने इसको रेंडरिंग करनी है। तो मैं इसके कुछ स्टेप है वो मैं फॉलो कर देता हूँ जो मैं कर रहा होता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर साउंड वगैरह लगा लेता हूँ। तो ये आप लोगों की 4K की वीडियो मैंने तैयार कर ली है। अब आप लोगों को मैं रेंडरिंग बताता हूँ। तो आप लोगों ने लोकल फाइल से रेंडर नहीं करनी, सिंपली क्या करना है, कस्टम प्रोडक्शन में जाके न्यू कस्टम प्रोडक्शन पे क्लिक करना है। ये मेरा इंटरनेट डिसकनेक्ट करना पड़ेगा मुझे एक बार, और उसके बाद यहाँ पर मैं की प्रेस कर देता हूँ। ओके, तो ये जब आपके पास आ जाएगा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद प्रोड्यूस विथ कंट्रोलर को ऑटो हाइट करने के बाद आपने डिसेबल कर देना है। उसके बाद साइज आप ले या कंफर्म कर ले 3840 2160, और उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद 4K की वीडियो टू मैक में एग्जाम्पल दे दिया है कैसे, और रेंडरिंग पे लगा दी। तो आप लोगों ने भी इस तरह से काम करना है, बेहतरीन वर्क है, बेहतरीन वीडियो है, इसको रेंडर होते हुए कंप्लीट आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को अलाफिस करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एक बार, और मैं कह रहा हूँ आपको क्योंकि मेरी आप लोगों की रिक्वेस्ट है, ये वीडियो फास्ट करके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि लैपटॉप इतना हैवी नहीं है जो कि जल्दी कर सके। तो आप लोगों के पास अगर सिस्टम हैवी है तो अच्छे से और जल्दी से हो जाता है, लेकिन 4K की वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाती है। तो मिलते हैं कल के एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।